प्राचीन सिद्धपीठ श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पावन नंगली धाम पर बोर्ड की परीक्षा में मेरिट प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया व भंडारे व भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वार्ड 20 गांव साप की नंगली सोहना गुरुग्राम हरियाणा में दिनांक 8 दिन शनिवार को भगवान श्री झूलेलाल वरुण देव की ज्येष्ठ माह की दौज के उपलक्ष्य में प्राचीन सिद्धपीठ श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पावन नंगली धाम पर उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं व 12वीं की वर्ष 2024 की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट प्राप्त की थी, जिसमें 11 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पीठाधीश्वर लोकेश भगत जी ने सभी विद्यार्थियों को दरबार की तरफ से पटका पहनाकर व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गांव के बड़े बुजुर्गों द्वारा भी बच्चों को आशीर्वाद देकर सम्मानित किया गया। प्राचीन सिद्धपीठ के महंत लोकेश भगत जी ने बताया कि ये पहल इस वर्ष दरबार की तरफ से शुरू की गई है, जो आने वाले वर्षों में निरंतर चलती रहेगी। ये पहल बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए की गई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे और तरक्की करें व अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करें। इसके साथ ही प्राचीन सिद्धपीठ श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पर भगवान झूलेलाल की दौज के उपलक्ष्य में भंडारे व भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। महंत लोकेश भगत जी का कहना है कि हर माह की शुक्ल पक्ष की दौज को इस धाम पर भंडारे व भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। जिस भी भक्तजन की मनोकामना पूर्ण होती है, वही बाबा के दरबार में भंडारे का आयोजन करता है। महंत जी का कहना है कि यह स्थान काफी प्राचीन व चमत्कारिक है। यहाँ जो भी भक्तजन बाबा के दरबार में जो मनोकामना लेकर आता है, भगवान झूलेलाल वरुण देव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। पीठाधीश्वर लोकेश भगत जी का कहना है कि भारत में भगवान वरुण देव का यही एकमात्र स्थान है जो काफी प्राचीन व स्वयं भगवान द्वारा चुना गया है, जहां पर भगवान झूलेलाल वरुण देव साक्षात विराजमान है और दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।